सभापति महोदय, हमारा देश विविधताओं का देश है, जहाँ पूरी दुनिया में अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया के अंदर भारत प्रसिद्ध है। दुनिया के सभी पर्यटक यहाँ पर्यटक की दृष्टि से आते हैं। वहीं पे राजस्थान प्रदेश भी बहुत से स्मारक और पर्यटन स्थल संरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर में हनुमानगढ़ में एक प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सभ्यता है। करीबन 8000 साल पुरानी इस कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, जो आज भी उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। कालीबंगा में मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ वो एक ही सभ्यता है मोहनजोदड़ो की, वहाँ पे उस पर्यटन स्थल को और ज़्यादा विकसित किया जाए। इसके अलावा वहाँ पे ब्रह्माणी माता का पल्लू का मंदिर है, जहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पे काफ़ी लोगों का आना जाना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि सेना के शौर्य और पराक्रम पे हमें बहुत गर्व है। वहीं मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र हिंदुमलकोट, जो पाकिस्तान की सीमा पे है, आज़ादी से पहले वहाँ पे ट्रेनें आया जाया करती थी। वहाँ पे पर्यटक की दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक स्थल वहाँ पे बनाया जा सकता है, एक पर्यटक स्थल वहाँ पे बन सकता है। मैं केंद्र सरकार से यह भी डिमांड करूँगा कि वहीं पे नग्गी में 28 दिसंबर 1971 के दिन हमारे 27 जवान वहाँ पे शहीद हुए थे। वहाँ पे एक शहीदी दिवस प्रत्येक साल की 28 दिसंबर को मनाया जाता है, और वहाँ पे एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए मैं केंद्र सरकार से डिमांड करूँगा। मैं आपके माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र के चारों स्थानों पे पर्यटक की दृष्टि से पर्यटन स्थल बनाएं, ताकि वहाँ पे आने वाले पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, जिससे राजस्थान प्रदेश को भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।